अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर गोदी मीडिया हुआ बेनकाब, छात्रा ने वीडियो के माध्यम से बताई सच्चाई, सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच हालात बेहद नाजुक होने की खबरें आ रही हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए लगातार लोग भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस बीच गोदी मीडिया ने यूक्रेन में फंसी सीतापुर की छात्रा गरिमा के बारे में रिपोर्ट की कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसके बाद सबके होश उड़ गए। दरअसल अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीतापुर यूक्रेन में चल रहे युद्ध के चलते शहर की एक छात्रा भी वहां पर फंस गई है, हालांकि वो वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है। जिला प्रशासन ने शासन को इसकी सूचना भेज दी है, अब बेटी को वहां से भारत लाने का प्रयास किया जाएगा। शहर के पूर्णागिरी निवासी गरिमा मिश्रा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही है, इस दौरान वहां पर छिड़े युद्ध में वो फंस गई है, इससे घर परिवार वालों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि वो वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है। इस पर जिला प्रशासन ने गरिमा के वहां होने की सूचना शासन को भेज दी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छात्रा जो अपना नाम गरिमा बता रही है वहां के हालात को बताते हुए रोने लगती है। वीडियो देखने के बाद लोग लगातार भारत सरकार से दखल देने की अपील कर रहे हैं। लोगों ने जो कहा उससे पहले गरिमा का ये वीडियो देखिए। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं जब अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम MBC को कॉल्स कर रहे हैं, MBC हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे। अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को और लड़कों का कुछ पता नहीं। प्लीज अब कहाँ गए, हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी मोदी जी जो भी हैं, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट अब जो भी हो जहाँ भी हो प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं, बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज जय हिंद जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल है और सोशल मीडिया यूजर्स में इसे लेकर लगातार टिप्पणी देखने को मिल रही है। आइए बताते हैं किसने क्या कहा। जाने माने पत्रकार विनोद कापड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री 2 मिनट 20 सेकंड पूरा सुनिए लखनऊ की गरिमा मिश्रा को, कीव में फंसी गरिमा को, रोती हुई गरिमा को, भयावह कहानी बताती हुई गरिमा को, शायद आपको कुछ ला जाए, शायद शायद। सोशल मीडिया यूजर ज्योत्सना मोहन ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द संज्ञान लेने की अपील की है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।